आज राजस्थान में चुनाव का शोर थम गया। 25 नवंबर को वोट पड़ेंगे, लेकिन आखिरी दौर में लाल डायरी के किस्से मंच पर खूब गूंजे और उन पर सियासत भी हुई। खबरों का रैपिड राउंड देख लीजिए, फिर लड़कियों वाले स्टिंग ऑपरेशन पर चलना है। सिलक्यारा टनल में 12 दिन से फंसे 41 मजदूरों के परिवार वाले चकचकी लगाकर उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम मजदूरों के बेहद करीब पहुंच चुकी है। पूरी मेहनत से, लगन से और आशा और विश्वास के साथ वो लड़ रहे हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग में फंसे मजदूरों से बात की। रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई समस्याएं सामने आ रही हैं। ड्रिलिंग का काम बहुत ही सावधानी से हो रहा है कि 45 मीटर के तकरीबन हमारा उसमें रास्ता बन गया है। तुरंत जब उसको किया गया तो उसमें एक हर्डल आया, गर्डल के नीचे आने की वजह से वो गर्डल जो है उस ओगर मशीन के अंदर अटक गया। राजस्थान के नाथद्वारा में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो में एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान गहलोत सरकार पर सीधा प्रहार किया। गृह मंत्रालय राजस्थान में उनके पास ही है, वो जांच करा लेते। अब तक अगर ऐसी स्थिति आ गई है कि उनके मंत्री उन पर आरोप हमारे कहने से लगाएंगे तो फिर सरकार का कोई मतलब नहीं, जनता भी जानती है। अमित शाह ने राजस्थान सचिवालय से मिले करोड़ रुपए को लेकर भी सवाल उठाए। सचिवालय से, सेक्रेटरीएट से अलमारी में से 2.5 करोड़ रुपया मिलता है और 1 किलो सोना मिलता है। आजाद भारत के इतिहास में कहीं पर भी किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान के देवगढ़ में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर आज फिर निशाना साधा। राजेश पायलट जी को लेकर कांग्रेस बयान जारी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन मेरे असली सवालों के जवाब नहीं दे रही है। पीएम मोदी ने दावा किया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। साथ ही ये भी कहा कि 2024 में फिर से मोदी सरकार बनेगी। मैं आपके लिए प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं तो आपका अपना हूँ। पीएम ने इल्जाम लगाया कि वन रैंक वन पेंशन के नाम पर कांग्रेस ने फौजियों को धोखा दिया और उनके नेता तो एक पूर्व फौजियों के बीच जाकर के फोटो निकलवाते थे और ऐसा जैसे उग्र आरोपी आ गया। भाजपा सरकार है वो गारंटी पूरी कर दी, फायदा पूरा कर दिया। राजस्थान के बाद पीएम मोदी तीर्थ नगरी मथुरा पहुंचे और श्री कृष्ण जन्म स्थान में पूजन दर्शन के बाद संत मीराबाई जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन मतदान से पहले एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दोबारा चुनाव लड़ रहे 93% विधायकों की संपत्ति में 40% की बढ़ोतरी हुई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने फिर से चुनाव लड़ रहे 173 विधायकों के हलफनामों का विश्लेषण किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 173 विधायकों में से 161 की संपत्ति में इजाफा हुआ। साल 2018 में इन माननीयों की औसत संपत्ति 7,10,00,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 9,97,00,000 हो चुकी है। एडीआर के मुताबिक बीकानेर पूर्व से बीजेपी विधायक सिद्धि कुमारी की संपत्ति में 97 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई, तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस विधायक प्रमोद जैन की संपत्ति में 29 करोड़ का इजाफा हुआ। राहुल गांधी के पीएम मोदी पर विवादित बयान के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने पलटवार किया। हिमंता ने वर्ल्ड कप की हार वाले मामले को सीधे पूर्व पीएम इंदिरा गांधी से जोड़ दिया। वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल हुआ, वो दिन जन्मदिन थे इंदिरा गांधी जी का। हिमंता ने बीसीसीआई से भी अनुरोध किया कि जिस दिन गांधी परिवार के किसी भी सदस्य का जन्मदिन हो, उस दिन भारत का कोई भी फाइनल मैच न कराया जाए। बीसीसीआई को इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन में वर्ल्ड कप फाइनल मैच फिक्स नहीं करना चाहिए था। बयान के बाद कांग्रेस ने भी हिमंता को घेरा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने हिमंता पर जमकर हमला बोला। मैं समझता हूं कि ये निश्चित तौर से हिमंत बिस्वा का जो मैं कहूं कि मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है, मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। सब कुछ सीख रहा तो जल्द ही एनसीईआरटी की किताबों में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य को शामिल कर दिया जाएगा। दरअसल पिछले साल गठित 7 सदस्यीय कमेटी ने सोशल साइंस की किताबों में रामायण और महाभारत को शामिल करने की सिफारिश की है। एनसीईआरटी की ये नई किताबें अगले सत्र तक तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारे आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास के बारे में, महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में जानकारी होना चाहिए। हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली है, समृद्धशाली। समिति ने क्लास की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना लिखने की भी सिफारिश की। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी फैसले का स्वागत किया। यदि रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तो ये भारत के लिए एक अच्छा कदम होगा। अपनी मांगों को लेकर पंजाब के जालंधर में गन्ना किसानों ने हल्ला बोल दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने 2 दिन से नेशनल हाईवे को जाम किया था। आज गन्ना किसानों ने नेशनल हाईवे के पास रेलवे ट्रैक को भी जाम कर दिया। किसान अपनी मांगों पर सरकार द्वारा अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करने से नाराज है।
किसानों की मांग है कि गन्ने के दाम को बढ़ाया जाए, जो बकाया राशि है वो भी दी जाए, साथ ही खराब हुई फसलों के मुआवजे का भी भुगतान किया जाए। दरियावां दे कंडे फसलां मर गई, माल साडा मर गया, गन्ना दूजा झोना साडा मर गया, उहदा कोई मुआवजा नहीं, ये उन्ना चिर रुकी रहेगी जिन्ना चिर साडियां मंगां नहीं मनियां जांदियां। यूपी के शामली में गन्ना मिल की लापरवाही के चलते 300 किसानों की बेटियों की शादी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल शामली शुगर मिल में करीब 3 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि शामली मिल पर 221 करोड़ और थाना भवन शुगर मिल पर 60 करोड़ रुपए बकाया है। मेरे पास जो है 8 लाख का पेमेंट अभी मेरा मिल पर बकाया है, 8.5 लाख के करीब का जी। पेमेंट की वजह से शादी नहीं हो पा रही जी। गन्ने के पेमेंट का भुगतान नहीं होने से किसानों की बेटियों की शादी अटक गई। ये समस्या सारी है, बिना पैसे के पेमेंट नहीं हो रहा, लड़की जवान हो रही, लड़की की शादी नहीं हो रही, माँ बीमार पड़ी। 200 से ज्यादा किसान पैसा नहीं मिलने से अपना इलाज भी नहीं करा पा रहे, जिसकी वजह से उनकी बीमारी और गंभीर होती जा रही है। पैसे की मजबूरी के कारण डॉक्टर को इसका इलाज नहीं करा पा रहे हैं हम। हजारों किसान ऐसे हैं जिनके बच्चे की स्कूल की फीस भी जमा नहीं हो पाई। गन्ने का किसानों का भुगतान न होने की वजह से पिछले साल से लेकर अब तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा की फीस रुकी हुई है मेरी। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द उनका पिछला भुगतान किया जाए। इंटरनेट की दुनिया में डीप फेक के बाद अब क्लियर फेक ने सनसनी फैला दी है। रिसर्चर्स ने क्लियर फेक को लेकर लोगों को आगाह किया है। दरअसल डीप फेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है और फिर सेलिब्रिटीज के चेहरे पर किसी और का चेहरा लगा दिया जाता है, लेकिन क्लियर फेक में वीडियो और फोटो का इस्तेमाल लोगों से ठगी के लिए हो रहा है। जानकारी के मुताबिक क्लियर फेक का इस्तेमाल कर ठग लोगों से सिस्टम में गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा रहे हैं और फिर उनकी निजी जानकारी को सिस्टम से चुराते हैं। रिसर्चर्स ने इसी साल एटॉमिक स्टीलर की खोज भी की थी। ये एक मैलवेयर है जो एप्पल यूजर्स को टारगेट कर रहा था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।